स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज हम जा रहे हैं भाई यहाँ पे एल कला फाते में एक ग्लेशियर विजिट करने, जिसका नाम है शायद पुअर्ते मोरेन ग्लेशियर, और उसके साथ एक बोट टूर भी है। तो यहाँ पहले बस ढूंढनी पड़ेगी भाई, टर्मिनल तो ये रहा बस का। अब वैसे आप होटल से पिकअप सेलेक्ट कर सकते हो, पर हमारा होटल यही था तो उन्होंने कहा है कि बस टर्मिनल पे ही आना है आपको। तो भाई ये वाला टूर मैंने गेट योर गाइड से बुक किया है, मतलब एक होता है ग्लेशियर पे ट्रैकिंग भी कर सकते हो, पर वो वाला बुक करना था यार, पर वो फुल हो चुका था बिल्कुल। तो अगर आप भी कोई गेट योर गाइड से पूरी दुनिया में कोई भी टूर बुक करना चाहो तो कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उससे करोगे तो मेरे को थोड़ा कमीशन मिल जाएगा, पर आपको उतने का ही पड़ेगा टूर जितने का नॉर्मली पड़ता है। तो यहाँ ढूंढते हैं बस कौन सी क्या जाएगी, ये होगा शायद ऑलवेज ग्लेशियर, पता नहीं। चलो पाजी का वेट करते हैं, पहले तो 10 बजे बोला था, 9:50 हो गए हैं, तो यहाँ ढूंढेंगे अब बस कौन सी है। तो अगर अभी तक आपको नहीं पता तो एल कला फाते साउथ ऑफ अर्जेंटीना में एक शहर है, शहर नहीं कहूँगा मतलब गांव सा ही है, पर टूरिस्ट की वजह से अब शहर बन गया। 10-15 साल पहले यहाँ पे 6-7 हज़ार की पॉपुलेशन थी, आज 25,000 की हो गई है, क्योंकि सारे हॉस्टल, रेस्टोरेंट, बस कंपनियाँ ये सब आ गई यहाँ पे, क्योंकि सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे ग्लेशियर विजिट करने। तो चलते हैं देखते हैं कैसा क्या है। मौसम भी थोड़ा ख़राब है, पर आइसलैंड से तो ज़्यादा ही सही है, तो ग्लेशियर बेटर दिखा पाऊँगा मैं आपको। ये आ गई भाई अपनी बस पैटागोनिया। अरे भाई हॉस्टल पे ही रोकेगा मेरे को लग रहा है। हम यहाँ बस टर्मिनल पे आ गए, ये भाई हीरो बन के हॉस्टल पहुँच गया। अरे गया ये तो नहीं, रोक दी। चलो भाई ग्लेशियर की तरफ निकल चुके हैं, शायद 1.5 घंटे का रास्ता यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है जहाँ पे बस पहुँचाएगी हमको। ये कहीं हम घूमने लग रहे हैं भाई एल कला फाते की पतली पतली गलियों में, मस्त मस्त दुकानें हैं देखना, अलग अलग रंग की, अलग अलग शेप की। अभी पिकअप कर रहे हैं लोगों को, पूरी बस भरेगी फिर जाएंगे। भाई ये टूर बुक किया था हमने 11,500 पर पर्सन का, प्लस ये जो टिकट है ये नेशनैलिटी के हिसाब से अलग अलग है, तो इन्होंने ऑनलाइन ही लिया, यहीं पे सबको आके कैश देना पड़ा। ये पड़ी 12,000 भाई, यहाँ पे हमारी नेशनैलिटी भी लिख दी इंडियन, तो $12 ये हो गए। यहाँ काउंट कर रहे हैं कि यहाँ से पहला व्यू आएगा। ओ भाई वो आ गया, यहाँ पे उतार दिया भाई बस ने। अब हमारा एक बोट टूर भी है, 3 घंटे बाद बोट टूर है, थोड़ी ठंड सी भी हो रही है यहाँ पे, मैं जैकेट वैकेट लाए नहीं, पर चल जाएगा काम, इतनी भी ठंड नहीं है। पर आप सोचोगे भाई पॉजिटिव में टेम्परेचर है 10 डिग्री, और ये ग्लेशियर वगैरह पिघलते कैसे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी 10 डिग्री है भाई। मतलब आप स्नो लोगे ना और उसको कंप्रेस करते रहोगे, मतलब हजारों टन का मतलब भार डालोगे, तब जाके वो ग्लेशियर बनता है, और ग्लेशियर स्नो से कन्वर्ट होकर आइस बन जाती है, तो वो पिघलने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है इनको। और यहाँ से भाई पहला व्यू आपको मिलेगा पुअर्तो मोरेनो ग्लेशियर का भाई, ये देखो वो नीला नीला जो है ना, अब उसके और करीब जाएंगे हम। और लोग यहाँ पे देखने आते हैं कि ग्लेशियर टूट के पानी में गिरता है ना, उस चीज़ के लिए फेमस है ये काफ़ी, कि ग्लेशियर टूट के पानी में गिरेगा, मतलब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। चलो आगे चलते हैं। आइसबर्ग्स दैट आर फ्रॉम द नॉर्थ साइड ऑफ पुअर्तो मोरेनो ग्लेशियर। चलो भाई यहाँ पे रेस्ट रूम और रेस्टोरेंट है, देखते हैं कुछ खाने को मिलता है तो खा लेते हैं, वरना आपको सीधा ग्लेशियर दिखाएंगे। तो भाई यहाँ ले लिया हमने चिकन सैंडविच, एक वेजिटेरियन सैंडविच, और देखो यहाँ पे ना डॉलर का रेट दे रहे थे 900 और यूरो का दे रहे थे 940, तो हमने तो अर्जेंटीनियन पैसों में ही पेमेंट करी है, 6,500 का वेजिटेरियन, 8,500 का चिकन। चलो भाई खाते हैं, ये सॉस मिल गई काम चल जाएगा, ये टबास्को मतलब यहाँ पे काफ़ी सही स्पाइसी सॉस हो जाती है। चलो भाई खाना वाना खा के आ गए, सैंडविच बहुत ही शानदार था भाई, मेरे को काफ़ी मज़ा आया खाने में, $8 का कुछ था, आठ डॉलर का था। तो अब यहाँ से चलते हैं भाई, यहाँ पे ट्रेल्स बना रखे हैं,
काफी सारे ना ग्लेशियर वोरा देखने के लिए ग्लेशियर ट्रेल्स बना रखे हैं। तीन ट्रेल्स हैं, येलो, रेड और ब्लू। तो आप तीनों ट्रेल कर सकते हो लगभग 2 घंटे के करीब में, आराम से कर दोगे। हमारे पास 2 ही घंटे हैं, तो देखते हैं किस ट्रेल पे कैसा व्यू देखने को मिलता है। अब आज आपको दिखाऊंगा मैं ढंग से ग्लेशियर। वैसे तो खैर हम अंटार्कटिका जा रहे हैं, ग्लेशियर वगैरह वहाँ पे नॉर्मल चीज़ है, पर अगर आप अंटार्कटिका वगैरह नहीं जा रहे हो तो यहाँ से आप ग्लेशियर देख सकते हो। आगे ट्रेल का मैप लगा है, वो भी आपको एक बार समझा देता हूँ मैं। भाई देखो ये लगा हुआ ट्रेल का मैप, हम हैं अभी यहाँ पे, और ये येलो ट्रेल है जिससे आप ग्लेशियर को सामने सामने से देखोगे। फिर रेड ट्रेल है ये नॉर्थ से देखने के लिए, और ब्लू वाला ट्रेल है साउथ से देखने के लिए। तो चलो चल करते हैं स्टार्ट। अब ये देखो यहाँ से आपको ग्लेशियर का पता चलेगा, वो देखो दूर वहाँ तक ये पूरा ग्लेशियर है। अबे धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग होते होते पीछे 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 सरकता हुआ जाएगा धीरे धीरे, काफ़ी मतलब अरसों लग जाएंगे, तब तक हम मतलब मर ही चुके होंगे। पर हाँ ये सरक तो रहा ही है। तो ये देखो ऐसे नीले नीले रंग के होते हैं। ये आइसलैंड पे ऐसे ही ग्लेशियर के ऊपर हमने स्नोमोबाइल चलाई थी, पर आपको दिखा नहीं पाया था मैं क्योंकि उस दिन पूरा कोहरा ही कोहरा था। तो ये देखो अब और नीचे चलते हैं, व्यू पॉइंट पे जाएंगे जो ग्लेशियर के बिल्कुल पास होगा। भाई वो देखो एक बोट जाने लग रही है, शायद वो बोट में हम जाएंगे अब से 2 घंटे बाद, बहुत ही दूर है वो बोट। तो भाई यहाँ पे ग्लेशियर की फोटो डाल रखी है, सारी हाइट वेट सब बता रखी है। मैं आपको समझाता हूँ, ये जो आप देख रहे हो ना ये चट्टान, आपको क्या लग रहा है कितनी बड़ी होगी? वीडियो में नहीं पता चल रहा है, 70 मीटर मतलब लगभग लगभग 20 से 25 मंजिल इमारत जितनी बड़ी है। वहाँ पे है 40 मीटर मतलब ये मान लो 10 मंजिल इमारत जितनी। और ये जो आपको चौड़ाई दिख रही है जो मेरे कैमरे में आप इतना सा चौड़ा देख रहे हो, पता है कितना चौड़ा है ये? 4.4 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर है भाई, मतलब अजय आधा चंडीगढ़ पार हो जाएगा है ना। और वो इसीलिए लग रहा है हमको जो बोट है ना, वो देखो बोट वहाँ पे देखो कितनी छोटी बोट है वो, बिल्कुल मतलब जूम भी कर दूंगा आने रही। और जिसका 3x वाला फोन है तो उसकी तो बिल्कुल ही मतलब दिखाएगा नहीं, 5x वाले में मतलब बिल्कुल फिर भी क्लोज चला जाता है। तो भाई मैं तो हैरान हो गया, 4.5 किलोमीटर बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है यार। तो ये सब देख लो पीक्स दिखा रखे हैं पीछे, ये तो इतनी बड़ी नहीं है पर ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो भाई ऐसी ऐसी ना बालकनीज बना रखी हैं जहाँ से आप खड़े होकर व्यू का एंजॉय कर सकते हो। और अब और नीचे जाना है, लोग देखो कहाँ पहुँचे हैं भाई, बिल्कुल वहाँ से तो मस्त बर्फ़ ही दिखेगी। चलो भाई चलते हैं नीचे, और आ गए भाई चलते चलते और नीचे, पता नहीं इससे नीचे और कितना जा सकते होंगे। अब थोड़ा सा बड़ा लगने लगा है भाई, ये मेरे को बेस्ट स्पॉट लगा क्योंकि यहाँ पे अर्जेंटीना का फ्लैग भी थोड़ा ब्लू ब्लू कलर से गया ना, पीछे ब्लू कलर मैच सा हो रहा है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, और अगर आप यहाँ पे प्रोफेशनल लोगों से भी फोटो खिंचवाना चाहते हो ना तो 4,000 पैसे लेंगे, मतलब $4 की आपको खींच के देंगे ऐसी ऐसी फोटो। पर आप मौसम देख लेना भाई, देखो जैसे इन्होंने जो बेस्ट फोटो होंगी ना वो लगा रखी है, उस दिन मौसम भी अच्छा होगा। आज देखो जैसे बादल है ना तो वो उतनी रिफ्लेक्शन भी नहीं पड़ रही उस पर, तो वैसे बेटर है आइसलैंड से तो काफ़ी बेटर हो रखा है, और काफ़ी सुंदर लग रहा है भाई मेरे को तो। चलो अब हम हैं ऑरेंज वाले ट्रेल पे, मतलब येलो कह रहे हो ऑरेंज कह लो, तो ऑरेंज वाले ट्रेल पे हैं, अब चलते हैं नीचे। और वाली बोट में हम शायद जाएंगे थोड़ी देर बाद। देखो आवाज आने लग रही है, वो गिरा आ गया पाजी। ओ पाजी आ गया वीडियो में भी। तो जैसे अभी ग्लेशियर टूटा ना तो ऐसे ही टूटते रहते हैं, पर वापस बनने में इनको हजारों साल लग जाते हैं। तो अभी ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टूट रहे हैं, पर तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई थोड़ी सी बर्फ गिरेगी और दोबारा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई, ये हजारों साल लग के बनते हैं। देखो जैसे ये ऐसा लग रहा है टूटने वाला, देखो ये तो एकदम से पट से आवाज आती है जैसे गोली चली हो और फिर टूट के नीचे गिर जाता है वो। तो भाई टूर के शुरुआत में मैंने आपको बताया था 3-4 ट्रैक्स थे, ऑरेंज कलर का है, ग्रीन कलर का, रेड कलर का। भाई ये वाला तो सबसे मस्त था, पानी भी देखो कैसे आ रहा है, ओ लहरें ही बन गई पूरी। अब वो थोड़ी देर तक तैरेगा जैसे ये तैर रहे हैं ना वैसे ही तैरता रहेगा वो, बहुत ही बड़ा टूट गया। तो मैं वीडियो बना रहा था मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है।
भाई तो ऐसे तो बर्फ टूट टूट के खत्म ही हो जाएगी यहाँ पे। तो भाई उन तीन ट्रैक्स की बात कर लेते हैं दोबारा से। तो वो है कि भाई आप अलग अलग डायरेक्शन इसको देखना चाहते हो, जैसे अभी हम सेंट्रल ट्रैक पे हैं, अगर आपको नॉर्थ वाली साइड पे देखना जहाँ पे 40 मीटर ऊंचा है तो उसके लिए अलग ट्रैक है, साउथ वाली साइड पे जाना है तो उसके लिए अलग ट्रैक है, तो जहाँ से आपको देखने की मर्जी है वहाँ से देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया सेंट्रल वाला ही है, जो कि ऑरेंज कलर पे आप ट्रैक पे आ सकते हो जहाँ पे ज़्यादातर लोग आएंगे, और तरफ से मतलब थोड़ा छोटा लगेगा, तो जो ग्रैंड आपको देखना पड़ेगा वो ऑरेंज वाले ट्रैक पे आना पड़ेगा। अभी पाजी इसको देख रहे हैं और वो गिर रहे हैं, थोड़े मोटे टुकड़े गिर रहे हैं, कोई बड़ा गिर रहा है, ऐसा नहीं, मतलब मैं ये चाहता हूँ ये सारे का सारा मेरे सामने बिछ जाए एकदम, पर ऐसा ना हो कि मैं बोट में वहाँ हूँ और नीचे दब जाऊँ। भाई मेरे को क्या लग रहा है कि ये पहले ना ग्लेशियर होता होगा यहाँ पे पूरा, ये लेक अर्जेंटीना है वहाँ तक जाता होगा ग्लेशियर, पर अब धीरे 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 कम होते होते पीछे 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 सूख, ओ गिर गया पाजी, वो गिर गया पाजी, अरे उस तरफ ज़्यादा टूट रहे हैं है ना भाई, वो देखो उस पहाड़ के ऊपर भी ग्लेशियर जमा हो रखा है बिल्कुल लाइट लाइट ब्लू कलर का। तो भाई दोपहर के हो गए हैं अब 3:15, बस आ गई है हमारी और यहीं लगाएगा भाजी वो शायद, बस आ गई हमारी, अब जाएंगे हम बोट टूर पे। अगर आप बोट टूर नहीं लेते तो शायद ये वाला टूर आपको 3,500 सस्ता पड़ जाएगा, पर अगर बोट टूर लेते हो तो आपको थोड़े ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ये जो आप पेड़ पे हरा हरा लगा देख रहे हो ना, ये पता नहीं मॉस सा कुछ होता है, और देखो पूरी टहनियों वगैरह पे भी है, तो ये ऐसे कहते हैं कि ये जितना ज़्यादा होता है ना किसी पेड़ पे, अगर आपको मिलेगा ये जितना ज़्यादा हरा हरा सा होगा, मतलब उतनी प्योर हवा है यहाँ पे, इतना प्योर इन्वायरमेंट है, देखो सारे पेड़ों पे हो रखा है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे उतना ही मतलब साफ इन्वायरमेंट होगा। ये मेरे को पता नहीं किसने बताया था, मेरे को अभी याद आया जब मैंने देखा। भाई यहाँ आ गए बस टूर करने, और अगर आप बस टूर पहले सेलेक्ट नहीं करते तो 45,000 मतलब आज के बोट टूर, हाँ बोट टूर, तो $45 का आपको एक्स्ट्रा पड़ेगा। भाई यहाँ आ गई हमारी ये बोट, और वो देखो भाई आइसबर्ग ऊपर से कितने छोटे लग रहे थे अब कितने बड़े हो गए, मैं कह रहा ये कौन से आइसबर्ग आ गए तो दिख ही नहीं रहे थे, ये ऊपर से छोटे छोटे लग रहे थे ना यहाँ आके, भाई बोट से भी 3-3, 4-4 गुना बड़े हैं। चलो भाई बोट पे चलते हैं, देखते हैं कैसा क्या नज़ारा रहता है, मेरे को उम्मीद बहुत ज़्यादा है बोट से, कैसा क्या रहेगा देखते हैं। भाई ऊपर का दरवाज़ा खोल दिया ये वाला और कह दिया कि आ जाओ ऊपर, चलो बाकी और नीचे बैठे हैं लोग, हम सबसे पहले आ गए। ओहो हो, ये देखो भाई बर्फ़ खड़ी, ये देखो भाई बर्फ़ पड़ी है, वो आ गया भाई ग्लेशियर, अब देखते कितना क्या पास लेके जाते हैं। भाई हम वहाँ कहीं खड़े होके देख रहे थे इसको ग्लेशियर को, और हम आए हैं अब इतने पास, यार इसमें तो मज़ा ऐसा नहीं आया, मतलब मैं सच बताऊँ ये तो बहुत ही दूर है यार अभी भी हम ग्लेशियर से, बैक हो रही है पर नहीं होएगी, पास उड़ जाएगा, गिर गया फिर। हाँ तो मेरे को लग रहा था कि ना नीचे जाके ऐसा नज़ारा आएगा कि भाई बहुत ही बड़े ग्लेशियर लगेंगे, पर ये अभी भी मेरे को छोटे ही लग रहे हैं, पता नहीं क्या है, या तो पीछे ले चल भाई, बिल्कुल ही भिड़ा दे उसको, मार के यहाँ पे भाजी टक्कर मारेगा ग्लेशियर इस पे गिर जाएगा, सही है ना, फिर हम मतलब वापस वहाँ नहीं जा पाएंगे जहाँ आप बोल रहे हो। तो भाई ये $45 की राइड थी, अंटार्कटिका जाना है नहीं जाना। तो भाई ये $45 की राइड थी, अब मैं कहूँगा भाई महंगी है, लोग रोता ही रहता है रोता ही रहता है, तो भाई काम करना जो कमेंट कर रहे हैं ना वो यहाँ पे आके इनको $1,000 दे देना या फिर डबल दे देना कि भाई हम नहीं रोते हम डबल पैसे देते हैं, इनको क्यों देना भाई तुम नहीं रोते, तो मैं अकाउंट नंबर यहाँ दे देता हूँ $10,000 का, हाँ तुम नहीं रोते और मैं $10,000 लेके फिर तुम्हें रोके दिखा दूंगा, तुम्हारे लिए बढ़िया बन जाऊंगा, खुश हो जाना ठीक है। तो वही होता है भाई कई चीज़ों के वर्थ भी देखी जाती है कि ये चीज़ वर्थ है या फिर नहीं है, हाँ भाई अच्छा है भाई ऐसी चीज़ें कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी ग्लेशियर वगैरह, पर भाई $45 मतलब 2 मिनट लगे होंगे वहाँ से आने में यहाँ तक, तो यार 20-22 चलो मैं फिर भी मानूँ $10 ज़्यादा $15 हो सकता है, 45 तो बहुत ज़्यादा है। तो भाई पाजी और मैं बात कर रहे हैं कि बड़ी तो काफ़ी लग रही है पर $45 जितनी बड़ी नहीं लग रही, किसी को लगेंगे भाई $1,000 जितनी बड़ी तो लगे, भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को तो नहीं लगी, मेरे को तो ये $20 जितनी बड़ी लग रही है, पर हाँ व्यू बहुत ही अच्छा है ये, मतलब कहीं और नहीं मिलेगा आपको ऐसा व्यू, तो वर्थ है पर उतना नहीं है, पर हाँ एक बार के लिए आप दे सकते हो, क्या कर सकते हैं, खुद की बोट लानी पड़ेगी बस।
देखो जो नीचे से मैं आपको दिखा रहा था 70 मीटर जो ऊंचा था उसका बोट सबसे पहले गई। अब हम आ गए इसके साउथ साइड में जहाँ पे मतलब 50 मीटर ऊंची है, तो ये काफी छोटा भी लग रहा है और उससे 70 मीटर वाले वो तो काफी लिमिटेड जगह पे है 70 मीटर, ये काफी लंबा चल रहा है। तो अभी तो बोट चलने ही लग रही है, मेरे हिसाब से आधा घंटा या फिर 45 मिनट का टूर होगा। भाई ये हुआ हमारा बोट टूर भी ख़त्म और यहाँ होता है इस टूर का दी एंड। और अब जिन बंदों ने बोट टूर नहीं लिया था उनको बस लेने जाएगी वापस से वहीं पे जहाँ से हमको यहाँ बोट तक लेके आए, फिर उनको लेके हम पहुँच जाएंगे एल कलाफाते, जाके कुछ खाना वाना खाएंगे। और मेरी तो भाई रात को आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने टिकट ली थी उशवाए की, रात को 3 बजे ही बस है मेरी, तो उसमें जाना है मेरे को, तो 6-7 बजे पहुँचेंगे, 8-9 बज जाएंगे, तो चलते हैं। तो भाई वापस आ गए अल कलाफाते सिटी, पाजी उतर गए सिटी सेंटर में, वो बोले मेरे को थोड़ा सिटी सेंटर देखना है। मैंने कहा उशवाए जैसे योगा उशवाए का तो पूरी हमको घूमना ही है, वीडियो भी बनानी है, पर बोले नहीं मेरे को यहाँ खाने का मन नहीं है, मेरी रात को 3 बजे बस है। मैंने कहा भाई अभी भी खाऊंगा मैं, रात को दोबारा खाऊंगा और फिर 3 बजे यहीं पर आना है मेरे को, तो मेरे को रेस्ट भी करना है, तो मैं डायरेक्ट होटल आ गया। एक चीज़ मेरे को पूछनी है अभी बस टर्मिनल जाके, क्योंकि चिले का एक फॉर्म भरना पड़ता है आज भी कि भाई आप डिक्लेयर कर रहे हो सब कुछ, ये वो पता नहीं क्या डिक्लेयर करना होता है, उसमें बॉर्डर एंट्री पूछनी है मेरे को कौन सी वाली है, वो बॉर्डर का नाम मेरे को पता नहीं चल रहा ऑनलाइन, वो पूछ के आता हूँ मैं और फिर चलते हैं अपना खाना खाने।